फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ एक ऐसे कलरफुल प्लांट जो कि आपके गार्डन में रंग भर देंगे, यानी कि ऐसे पौधे जिन्हें कि आप लगा के अपने गार्डन में ढेर सारे कलर ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जब कलर ऐड करने की बात करते हैं तो हम अलग अलग कलर के फ्लावर प्लांट चूज करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, फ्लावर प्लांट क्या हमेशा ही फूल देते रहता है? बीच बीच में जब उनमें फूल नहीं आते हैं तब उस वक्त हमारा गार्डन बेजान हो जाता है, कलरफुल नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि ऐसे पौधे लगाएं जो कि हमारे गार्डन में हमेशा एज इट इज बना रहे और कलरफुल बना रहे। जब कहीं धूप नहीं आती है, स्पेशली बालकनी में, तो हम फूल वाले पौधे नहीं लगा सकते हैं और ऐसी स्थिति में हमें लगाना पड़ता है पत्तियों वाला पौधा। फ्रेंड्स, पत्तियों वाले पौधे में भी काफी सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि काफी कलर ऐड करते हैं हमारे गार्डन में। कुछ एक पौधे ही अगर हम लगा लेते हैं पत्तियों वाले तो वो फूलों की कोई कमी नहीं महसूस होने देता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको क्रोटोन का प्लांट दिखा रही हूँ। क्रोटोन का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे कि आप बहुत ही इजीली अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इजी टू प्रोपोगेट है बाय कटिंग। कटिंग के द्वारा ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है और आप देख सकते हैं एक ही पौधे में कितने सारे कलर है। एक भी पौधा अगर क्रोटोन का आप लगा लेते हैं तो आपका गार्डन कलरफुल बन जाता है। क्रोटोन में ढेर सारी वेरायटी आती है, कोई भी वेरायटी आप लीजिए, सभी वेरायटी अपने आप में काफी खूबसूरत होते हैं और काफी कलर होते हैं क्रोटोन के प्लांट में। इसीलिए क्रोटोन के प्लांट को आप अपने इंडोर गार्डन जरूर ऐड करिए, ऐसी जगह जहां सेमी लाइट हो, बालकनी में स्पेशली जहां धूप नहीं आती है वहां क्रोटोन का प्लांट आप जरूर ऐड करिए। हल्की फुल्की छन के धूप आती हो ऐसी जगह बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। जब बात कर रहे हैं कलर का तो कोलियस की बात ना आए ऐसा नहीं हो सकता। कोलियस एक ऐसा पौधा है जो कि अपने आप में ही काफी खूबसूरत होता है। सिर्फ और सिर्फ एक कोलियस के पौधे से ही हम अपने गार्डन को काफी कलरफुल और खूबसूरत बना सकते हैं। कोलियस में फ्रेंड्स ढेर सारी वैरायटी आती है, ढेर सारे कलर आते हैं और हर एक कलर वैरायटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। कोलियस का प्लांट इजी टू ग्रो है, बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। कि एक बार परचेस करेंगे फिर कटिंग के द्वारा आप ढेर सारे पौधे खुद ब खुद बना सकेंगे और फ्री में ढेर सारे पौधे तैयार करके अपने गार्डन को कलरफुल बना सकेंगे। जब कलर की बात आए तो हम कैलेडियम के प्लांट को तो नहीं छोड़ सकते। कैलेडियम का प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जो कि कोलियस की तरह ही ढेरों कलर वैरायटी में मिलता है। कोई भी पौधा आप लगाइए इजी टू ग्रो होता है। ये पौधे एक्चुअली ग्रो होते हैं बल्ब के द्वारा, मिट्टी में इसमें बल्ब बनते हैं। एक बार अगर आपने इस पौधे को लगा लिया तो उसके बाद इसके जब बल्ब आप रूट डिवाइड करेंगे, इसके मिट्टी में से बल्ब को अलग कर करके आप ढेर सारे पौधे खुद ही बना सकेंगे। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लांट है, साथ ही साथ ये ढेर सारे कलर भी ऐड करता है हमारे गार्डन में और मिनिमम सनलाइट में ही ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। फिर हम बात करेंगे ये रियो, जिसे बोट लिली के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट दो तरह के आते हैं। ये प्लांट एक आप ये देख सकते हैं ग्रीन एंड पर्पल कलर का है और एक और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है रियो ट्राई कलर। दोनों ही पौधे काफ़ी खूबसूरत कलर ऐड करते हैं। मिनिमम सी सनलाइट में ये प्लांट ग्रो हो जाता है, इसीलिए बालकनी में स्पेशली आप इस प्लांट को जरूर ग्रो करिए। फूल भी इन प्लांट की केयर नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही अच्छी तरीके से सेमी लाइट एरिया में या छन के धूप आती है ऐसी जगह में बहुत ही मिनिमम से केयर में ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है और कितना खूबसूरत सा कलर इस प्लांट से हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स हम लगा सकते हैं ये पेडिलैंथस, जिसे डेविल बैकबोन के नाम से जाना जाता है। इसके कलर भी आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली विंटर सीजन में इस तरह से पिंकिश हो जाता है, अदरवाइज इसका कलर कुछ इस तरह से रहता है ग्रीन एंड व्हाइट। ये वेरीगेटेड वाला है, वेरीगेटेड वाला ज्यादा खूबसूरत लगता है, इसी में ग्रीन वेरायटी आती है, लेकिन वेरीगेटेड वाला एक कलर ऐड करता है हमारे गार्डन में और इजी ग्रो है। कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसीलिए इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगाइए। मिनिमम सी सनलाइट में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है और स्प्रिंग सीजन में इस प्लांट में काफी अच्छे से फ्लावर्स निकलते हैं और जो कि दिखने में एकदम बर्ड की तरह दिखते हैं, क्यूट क्यूट छोटे छोटे बर्ड की तरह दिखते हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है, आप चाहें तो मेरे चैनल में उसे चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से इसमें फ्लावर भी आते हैं, तो इस प्लांट को भी आप जरूर लगाएं। फिर फ्रेंड्स हैंगिंग बास्केट में लगाना हो और कलरफुल पत्तियों वाले पौधे खोज रहे हैं तो इसको तो बिल्कुल लगाना ही बनता है, क्योंकि ये है वांडरिंग ज्यू का प्लांट जो कि बहुत ही इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है और कलर बहुत ही खूबसूरत कलर हमारे गार्डन में इससे ऐड हो जाता है।
हैंगिंग बास्केट कम स्पेस में प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, तो उसमें ये प्लांट तो आप जरूर ही लगाइए। मिनिमम सी केयर और मिनिमम सी सनलाइट इस प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए सफिशियंट होता है। कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ये प्लांट भी लग जाता है। फिर फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी फाइकस की ही एक वेराइटी है जो कि फाइकस ट्रायंगुलरिस के नाम से जाना जाता है, जिसे कि हर्ट से फाइकस भी हम कहते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत ही इजी टू ग्रो है, मेंटेनेंस खास होती नहीं है इस प्लांट की और आप बहुत ही आसानी से इस प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, इसीलिए बहुत ही मिनिमम से केयर में आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं गार्डन में कलर ऐड करने के लिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सफलेरा का प्लांट। सफलेरा में फ्रेंड्स दो वैरायटी आती है, ग्रीन एंड वेरीगेटेड। तो वेरीगेटेड वाला ज़्यादा खूबसूरत दिखता है अगर जब कलर ऐड करने की बात हो तो वेरीगेटेड वाला सफलेरा का प्लांट आप ज़रूर लगाइए। बहुत ही मिनिमम से केयर में ये प्लांट भी बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। फिर फ्रेंड्स कलरफुल गार्डन तैयार करने के लिए हम ड्रेसिना को चूज़ कर सकते हैं। ड्रेसिना में ढेर सारी वैरायटी आती है, कोई भी ड्रेसिना का प्लांट लीजिए अपने आप में खूबसूरत होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने भी काफ़ी सारे ड्रेसिना के प्लांट लगा रखे हैं और उससे हमारे गार्डन में काफ़ी खूबसूरत सा कलर ऐड हो जाता है। ड्रेसिना के प्लांट को भी फ्रेंड्स ग्रो करना काफ़ी आसान है, इजी टू मेंटेन है और कटिंग के द्वारा ड्रेसिना के प्लांट को हम इजीली ग्रो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है और इसे भी कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इंडोर प्लांट है, ऐसी जगह ग्रो कर सकते हैं जहाँ की सेमी लाइट हो, हल्की फुल्की छन की धूप आती हो, तो इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, तो आप इस प्लांट को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप पर्पल हार्ट प्लांट को भी चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके गार्डन में पर्पल कलर ऐड करेगा और साथ ही साथ इजी टू ग्रो है। एक बार परचेज करेंगे फिर कटिंग के द्वारा ढेरों प्लांट आप खुद से बना सकेंगे और आपके गार्डन में एक खूबसूरत सा कलर ऐड हो जाएगा। किसी भी ग्रीन पौधे के बीच में जब आप इस कलर वाले पौधे को लगाएंगे, ये पर्पल हार्ट को लगाएंगे, तो अपने आप में वो जगह काफ़ी खूबसूरत बन जाता है। फ्रेंड्स आप कलर ऐड करने के लिए लगा सकते हैं ये लालसा का पौधा। लालसा का पौधा भी बहुत ही इजी टू ग्रो है, हेज के रूप में छोटे पॉट में लगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसीलिए एक बार इसे परचेज करिए फिर आप ढेर सारा खुद ही बना सकते हैं। आप भी देखेंगे कि मैंने भी यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे बना रखे हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेता है, बहुत ही इजी टू ग्रो है, छोटी से छोटी स्पेस में भी बहुत ही आसानी से लग जाता है और गार्डन में एक खूबसूरत सा कलर ऐड हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक जीरो मेंटेनेंस प्लांट है जो कि है ये वेरीगेटेड स्नेक प्लांट, जिसे सेंसिविरिया कहा जाता है। इस प्लांट को भी आप चूज़ कर सकते हैं, इस प्लांट को भी लगा सकते हैं जो कि मिनिमम से केयर में काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला एक प्लांट है और कोई खास केयर नहीं है, इसीलिए हाँ इजीली इस प्लांट को आप अपने इंडोर ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी सारे पौधे हैं जिन्हें कि आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं कलर ऐड करने के लिए। अगर फूल ना भी हो तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पत्तियों वाले पौधे को लगा के आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने गार्डन में ढेर सारे रंग भर सकते हैं, कलरफुल गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक शेयर जरूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएँ जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।